नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग पहुंचे हैं अम्मा के अस्पताल में, अमृता हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त के महीने में इस निजी अस्पताल का उद्घाटन किया था और यहां इस अस्पताल में जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा आगे यहां आए, हम आपको ये बाइक दिखाएंगे और इसके बाद वो पूरी कहानी सुनाएंगे, घटना क्या घटी है। ये जो द्रव्य बिखरा हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस बाइक पर जो द्रव्य बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये दरअसल सूखा हुआ खून है, रक्त है। और ये जो रक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके बारे में जो कहानी है वो बात करेंगे, पूछेंगे। जी, क्या नाम आपका? सर, मैडम जसवंत सिंह है जी। और कल एक्चुअली मेरे वाइफ का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है और मेरी वाइफ आईसीयू में एडमिट है और मेरा बच्चा नर्सरी में है और छोटे भाई को मैंने सुबह खाना लेने के लिए भेजा था। एक्चुअली गेट नंबर 2 के सामने मेरा फ्लैट है। कहाँ रहते हैं आप? मैं फेरे सिटी में रहता हूँ, गेट नंबर 2 के सामने। तो मैंने बेटे को, भाई को भेजा था, जाते टाइम उसे जो यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है उसी से मतलब उसको पूरा अस्पताल बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस तरफ नहीं बना हुआ है, उस तरफ अभी काम चल रहा है। जाते हुए उसके सर पे पत्थर गिरा, पत्थर गिरने से उसका सर फट गया। उसके बाद वहाँ के एक गार्ड है, उसने हेल्प करी, वो अपनी बाइक मतलब मेरी बाइक से ही बाइक बाइक को पीछे बिठा के एडमिट किया यहाँ पे। कहाँ से गिरा पत्थर? कहाँ से गिरा? उसी बिल्डिंग से ऊपर से गिरा, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा, हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसके सामने से रास्ता है। हाँ जी, वहीं से रास्ता दिया हुआ है, बिल्कुल बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 या 15 फुट की दूरी है। आगे पूरा टावर खड़ा हुआ, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है और नीचे मतलब लोग आ जा रहे हैं और वहाँ ऊपर से पत्थर गिरते हैं आए दिन, मतलब कुछ भी हो रहा है। अब मुझे तो पता नहीं था इतना, लेकिन आज हमारे साथ वारदात हुई तो हमें ये महसूस हुआ कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है। और तो जैसे मैं चोट आई है, मैं चोट लगी हुई है और काफी सारा ब्लड निकला है, 5 टांके आए हैं, 5 टांके हैं और अभी भी बेड पे है। और मतलब मुझे लगता है कि अगले टाइम तक कैसे क्या हो। मैंने बच्चे को मेरा पढ़ाई कराई है, मैंने MBA करा के और सारी चीज करा के, बहुत सारी चीजें हैं, क्या बताऊं। मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज से क्योंकि मेरा आज मैं अकेला हूँ हॉस्पिटल में, अकेला पड़ गया हूँ। मेरी वाइफ एडमिट है आईसीयू में। तो अस्पताल प्रबंधन कुछ नहीं कहता? अस्पताल प्रबंधन तो कुछ ऐसा आश्वासन नहीं दिया। आपने MLR कटवाई? हाँ, MLR कटवा ली मैंने। कंप्लेंट देंगे ठेकेदार के खिलाफ? हाँ, कंप्लेंट दूंगा ठेकेदार के खिलाफ कि उसी ने मतलब ये सारी चीज हुई है, ठेकेदार की गलती से सारी चीजें। कौन है ठेकेदार जी? क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। मेरे दोस्त हैं जस्सी जी, इनका फोन आया इस तरीका से, मेरी वाइफ एडमिट है यहाँ पे और भाई के भी इस तरीका से चोट लग गई। जब मैंने आज देखा यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया सौरभ जी, के जो चोट लगी है जहाँ पे काफी ब्लड गिरा हुआ था, मैंने उसके फोटोग्राफ भी लिए हैं। लोगों क्या उन जो सफाई कर्मचारी उनसे पानी डलवा के वो धो रहे थे। तो इनका इसका मतलब है कि इनने बहुत ही बड़ी गलती करी है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे सेफ्टी पर्सन के हिसाब से किसी तरीका की कोई भी वो नहीं है, जैसे जाली वाली लगा के किसी तरीका से। मैंने यहाँ पर पूछा भी सेफ्टी देश में मेट्रो का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उन्होंने सुरक्षा मानकों का एक इतना बड़ा आप कह सकते हैं पैमाने इस देश को दिए कि कोई कंस्ट्रक्शन हो तो वो कैसे हो, बाकायदा हेलमेट लगा के, सुरक्षा जैकेट्स पहनकर और आम जो लोग वहां से गुजरेंगे उनके लिए सुविधा का ध्यान रखते हुए मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हुई पूरी दिल्ली में। और वो जो मानक थे वो मानक आम तौर पर पूरे देश को अपना लेने चाहिए थे और खास तौर से निजी क्षेत्र में। यहाँ तो इन्होंने किसी को ठेकेदार को ठेका दिया होगा, ठेकेदार ने उन मानकों का पालन नहीं किया, नहीं किया वही। उन जी तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद, जो आपने भी पूरा प्रचार प्रसार सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री आए थे और देश का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है ये जो अम्मा का हॉस्पिटल। इलाज विलाज ठीक कम है, कुछ सस्ता है यहाँ? सस्ता तो अब मैं कह नहीं सकता, मेरा पहली बार था, मैं पहली बार एडमिट कराया, मुझे इतना आइडिया लगे बाहर से। अब मैं बाहर का भी आइडिया नहीं है। अब उन्होंने जो पैकेज बताया क्योंकि मुझे सर्विस लेनी थी मैंने दी, इसमें मैं सस्ता महंगा क्योंकि मैं सही जस्टिफाई तब कर सकता हूँ, मैं किसी से थोड़ा सा टैली करता, मैंने टैली नहीं किया था। तो हमने आपको रक्त दिखाया और रक्त के पीछे की कहानी सुनाई फरीदाबाद। हमने ये बताया आपको जैसा कह रहे हैं कि इनके भाई खाना लेने जा रहे थे यहाँ से, तीमारदार थे, मतलब यहाँ जो बीमार उनका एडमिट था, यहाँ जो उनकी भाभी एडमिट थी उसके लिए खाना लेने के लिए अपने घर जा रहे थे। तो रास्ते में जो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन कितने फ्लोर की कंस्ट्रक्शन थी? 15 फ्लोर कंस्ट्रक्शन, 15वीं मंजिल से उनके ऊपर कोई पत्थर गिरा है फरीदाबाद, आप समझे। 15वीं मंजिल से जब कोई चीज गिरेगी, आप कोई पैन भी डालेंगे तो वो भी रॉकेट की तरह नीचे आएगा, और 15वीं मंजिल से पत्थर गिरा है और उस पत्थर के गिरने से सर पर जो चोट लगी है उसमें 5 टांके आए हैं,
बाकायदा एमएलआर कटी है, ये देख सकते हैं, ये दिखा दें थोड़ा सा नजदीक से आके दिखा दें। इसमें लिखा भी है सौरभ जी कहां से किस तरीका से क्या क्या हुआ है, ये देखिए। और चोट जो दिखाई है वो बैक में है, यहाँ पे इन्होंने, हमने इसकी 100 नंबर पे कॉल भी की है 112 पे, पर वो लोग अभी तक आए नहीं है, बोलो एमआरआई कटवा दो, कार्रवाई करेंगे बाद में। पता नहीं इस अस्पताल का रुतबा समझ लो किस तरीका है क्या है, नहीं तो 112 पे कॉल करने के बाद प्रधानमंत्री आ जाए वहाँ, फिर और क्या बचता है। हाँ हाँ, जैसे प्रधानमंत्री आनंद फानंद पाए, इन्होंने बिल्डिंग की पूरी तैयारी नहीं कराई है और इस तरीका से कर रहे हैं कि भाई जल्दबाजी में यहाँ कोई किसी तरीका इमरजेंसी हो जाए। मैं कह रहा हूँ फरीदाबाद में और भी मेट्रो हॉस्पिटल है वो बन रहे हैं, वो सेफ्टी प्रचन के हिसाब से बहुत बढ़िया है, वहां पे एक भी हादसा नहीं हुआ किसी तरीके, यहाँ फर्स्ट बार था। और मैं कह रहा हूँ आगे भी और हादसे होंगे क्योंकि इन्होंने ठेकेदार जो पकड़े हुए हैं, मैनेजमेंट है जो यहाँ का मैनेजमेंट में मैं करूँ पुअर है। मैं एक घंटे से बात कर रहा था, दो तीन से पूछा मैंने उसका एमएलआर, बोला आप क्यों क्या किस चीज, धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं जी, तो उनके जो यहाँ पे स्टाफ भी इस तरीके का नहीं है बिल्कुल कहीं पे भी। भाई चोट लगी है इसके, चोट लगने के बाद उसे बोलो ये जी अब इसे ले जाओ आप यहाँ से, ठीक है ना ही उसका कोई सिटी स्कैन कराया है, चोट लगी है कोई नहीं, बिल्कुल ऐसे ही पट्टी कर दिए, टाके लगा दिए, बोला अब जाओ, वही मल्लम पट्टी वाले हैं क्लिनिक्स की तरह। हाँ बिल्कुल, कोई अब उसके सिटी स्कैन वगैरह कुछ नहीं कराया, अभी कितनी चोट अंदर भी हो सकती है। सर कल को क्या हो सकता है क्या नहीं, अंदर कोई क्लॉटिंग तो नहीं हो गई जी, बिल्कुल जो बाद में दिक्कत जो दिक्कत हो, तो मतलब इसलिए मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल यही बोलूंगा कि अभी तक मतलब भाई के लिए सीटी स्कैन और भी सारी चीजें करनी चाहिए जिससे आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके चलते उसे कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो, जिसके चलते आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो फरीदाबाद कंस्ट्रक्शन साइट काम चल रहा है, बॉयज हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल का, बॉयज हॉस्टल का काम चल रहा है। 15वीं मंजिल से पत्थर गिरता है, नीचे जा रहे बाइक सवार, क्या नाम था इनका, यशवंत सिंह के सर पर गिरता है। हेलमेट नहीं लगा रखा था इन्होंने, नहीं हेलमेट नहीं, गलती बात है, वैसे हेलमेट तो सुरक्षा मानक है, सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम अगर पैदल आदमी भी निकल रहा तो पैदल आदमी हेलमेट तो नहीं, एग्जैक्टली पैदल आदमी भी गुजर रहा होता तो उसके सिर पर भी वो पत्थर गिरता तो सौरभ जी उस पर बहुत ज्यादा चोट आती, क्योंकि ये तो चल चालू मोटरसाइकिल थी और जब इसके ऊपर गिरा तो स्लिप भी हो गया, तो मेरे ख्याल से उस पर तो शायद ही वो बचता है नहीं बचता, इतना मोटा पत्थर था। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।